सेवा में लागे। महाराज आज आपका पधारना हुआ बहुत ही हर्ष की बात है और आप कृपा करना और आज हमें सत्संग सुनाओ। मंच लगाया और मंच के ऊपर महाराज को कहा आप विराजो और हमें सत्संग सुनाओ। महाराज सजना मंच पर खड़े हुए और के बोले मैं सत्संग बाद में सुनूंगा, मेरा एक प्रश्न है उसका जवाब दो। तो महाराज को बोले बोले सा बोलो आप फरमाओ क्या आप बताओ मूर्ख हो समझदार हो। तो मूर्ख तो कौन बननी चाहे, सब लोग जाने भाई मैं तो समझदार ही। तो महाराज ने कियो सा मैं तो समझदार हूं। तो महाराज क्यों समझदार हो जन मैं कहीं समझाऊं तने। महाराज क्यों समझे को क्या समझाई है, जब आप समझे हुई हैं तो मुझे समझाने की क्या जरूरत है, आप समझे हुई है। तो महाराज मंच में तो उतर बेगा बोले समझे हुए तो मुझे क्या समझाने की जरूरत है। तो लोग सोचे महाराज तो अजीब सा ही है। आगे दौड़िया और वापस महाराज के चरणों में पड़िया, लागे पाए महाराज हमें बोलना नहीं आता और आप तो कृपा करो पधारो हमारे ऊपर दया करो और सत्संग सुनाओ। वापस महाराज आया मंच पर आकर बोलिया तो बताओ मूर्ख हो समझदार हो। तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो पहले समझदार क्यों तब की कहता मूर्खा। तो क्यों बाप जी मैं तो मूर्खा। तो महाराज क्यों मूर्खा ने समझा ज्ञान नहीं लागे, सूखा लकड़ा सींचता फल कदे नहीं लागे और मुर्दा ने आवाज दे तो हरगिज नहीं जागे। तो महाराज क्यों मूर्ख को समझाओ दे ज्ञान गांठ का जाई, कोयला होवे न उजला सोमन साबुन लाई है ना, सज्जन सो बोली हितकारी और मूर्ख को तो रेवनो जक मारी। तो ऐसे करके सजनो महाराज मंच में तो उतर चल दिया क्यों मूर्ख ने भाई ज्ञान नहीं लागे। आगे ज्ञान वा फिर पाचा दौड़िया पीछे और महाराज आप कृपा करो चलो हमें तो बोलना आता नहीं ना, आप सत्संग सुनाओ। तो महाराज तो दयालु होते वापस आया मंच पर, वापस आन पूछे तो बताओ आप मूर्ख हो समझदार हो। तो उन्होंने सोचा अब क्या कहें भाई। तो उन्होंने सोचा कि भाई वह बोलिया महाराज हम आधे मूर्ख हैं आधे समझदार हैं। तो महाराज को जरा समझदार हो जो मूर्खा ने समझाए तो हमारी जरूरत है ही कोई, मेरी क्या जरूरत है। वापस मंच में तो उतर नहीं जा, आगे रवाना हो गया। वह सोचा क्या करें महाराज, वापस भागे चरणों में लागे महाराज से विनती किया महाराज आप पधारो और सत्संग सुनाओ आप हम तो जानते नहीं है। तो वापस महाराज चौथी बार और आया मंच पर और आकर के बोला तो बताओ आप मूर्ख हो समझदार हो। अब उन लोगों ने कहा कि अब क्या बताएं, सब कह दिया मूर्ख कह दिया समझदार कह दिया आधा मूर्ख आधा समझदार कह दिया, अब तो क्या बताएं। तब सब लोगों ने एकजुट होकर के उनकी आवाज निकली सा हम नहीं जानते हम कौन है आप ही बताओ। तब महाराज बोले अब आप सत्संग सुनने के पात्र बन गए है ना, अब आप सत्संग सुनने के, इसलिए बढ़ना में सजना तकलीफ है इसलिए संतों के पास में जाकर बनो मत, उनका बन करके उनके चरणों में धरोगे और डरोगे और रविनम्र होकर के रहोगे तो भक्ति की ये संचार और भक्ति का ज्ञान आपके हृदय में आएगा और कल्याण पद को पा सकते अन्यथा नहीं। तो उनको कछु भावे नहीं एक भावे सत्संग अर्धा वाने चाहे कछु के वो तजी जगत की इलाज और सहज पारायण हो गया वे सफल किया सब काज। फिर कहते हैं जिन जिन शब्द पहचानिया तुच्छ लागी संसार। आज लोग के महाराज कहीं करा बहुत सारा सत्संगी लोग है, मैं जाता हूँ इतर तत्र कहाँ कहाँ हमेशा नई नई जगह में जाना होता है और भजन भी गाना होता है। पर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज सत्संग तो है अपने दुनिया में बैठा जन मैं कहीं बैठे मैं कहीं आकाश में बैठा। एक दिन एक आदमी ने मैं क्यों भाई साहब नशो मत करो चाय मत पियो, तो कह महाराज माने मिन कम जाऊनो पड़े जन मैं क्यों मातो सत्संग डांडा में करा इन मतलब थाने मिन कम जानो पड़े मातो सत्संग मतलब डांडा में करा जो क्यों मातो मिन कम जावा ही कौन इव नहीं हो तो इव नहीं जरा बच्चे की करे है ना। तो लोग अपना एक बचने का एक अनेक तरह का नुस्खा का निकालते कोशिश करते ताकि ऐसा कह देते महाराज हमारी बात को छोड़ दे, ऐसा सजना नहीं।
सत्संग में जाओ और संतों की बात को सुनो न अच्छी तरह से समझो। केवल जाकर के रात काटते काटते उम्र काट दे इससे कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छी तरह से एक एक दिन बाजार में जाओ तो खाली धक्का खाकर मत आओ, कुछ लाना है तो जाओ और जाओ तो लेकर ही आओ कुछ न कुछ, तब तो जाकर के सजना कल्याण होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जिन जिन शब्द पहचानिया तुच्छ लागी संसार, उनके सामने संसार कुछ नहीं है तुच्छ लगता है। संसार क्या बड़े बड़े राजपाट को छोड़कर भाग निकले और आज आदमी छोटी चीज को कहता है महाराज मैं छोड़ नहीं सकता, क्या क्या क्योंकि संकल्प होता नहीं ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए जिन जिन शब्द पहचानिया तुच्छ लागी संसार, आज पड़ा सत्संग में वे डार दिया सिर भार, उन्होंने सिर का भार नीचा डाल दिया और वे हल्का हो गया। शब्द छुड़ावे राज ने शब्दी करी फकीर, संतों के पास में क्या है शब्द है, गुरु उपदेश देते हैं तो क्या है शब्द है, और शब्दी सजना सुशब्द होता है तो ज्ञान होता है अच्छा लगता है और कुछ शब्द से रामायण और महाभारत जैसे बन जाते हैं। इसलिए शब्द विचार की बोलिए, शब्द के हाथनी पांव, एक शब्द तो करे उस दिन एक शब्द करे घाव, है ना। इसलिए शब्द शब्द में बहुत है अंतर है, शब्द 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 बहु अंतर, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जा सार शब्द नहीं दृक जीवन सो जीजे, अरे हंसा शब्द साधना कीजे, जय शब्द से राम प्रकट भई सोई शब्द लख लीजिए। तो इसीलिए शब्द छुड़ावे राज ने शब्द ही करे फकीर, पलटू दास के कैसे जीवे लागा शब्द का तीर, जिनके शब्द का तीर लग जाता है वो मरजीवा बन जाता है अर्थात जीवत मृतक बन जाता है और वो अपने को ही तारता है और दूसरों का भी उद्धार कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी वक्तियों को यही विराम देता हूँ क्योंकि समय भी कम है और जाने वाले भी हम हैं। इसीलिए और बोलने वाले संत भी पधारे हुए हैं तो आपको श्रवण कराएंगे और आप अच्छी तरह से श्रवण करो। इन्हीं शब्दों के साथ में बुलाने वाले माँ साहब के सेवा निवृत्ति गए तो बड़ा सुंदर उनका जब भाव है और समय बड़ा सुंदर आया है, गवर्नमेंट से निवृत्त हो गए तो अब गवर्नमेंट के पास में जाओ, भगवान की गुरु संतों की सेवा करो और उसका मौका लो। इसीलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपने सुना आपके लिए भी साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की जय। हेलो हेलो बोलो सदगुरु भगवान की। पधारो संतों का स्वागत, थाना ग्राम से पधारे साहिब राजू राम जी साहिब का स्वागत है। हाँ देवपुरा से पधारे सीताराम जी साहिब, कुछ बोलना चाहेंगे भजन जो भी आपकी इच्छा हो दो शब्द। नहीं हमारी इच्छा तो है ही तभी आपको कह रहे हैं। सुनो 10 मिनट तो बोलो, चार 15 मिनट बात सुनो, जिसमें चाय पानी बोलो। सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो भाई